गाइज़ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो ये जो वीडियो है आज मैं करने वाला हूँ, वैसे भी थंबनेल पे देख लिया होगा आपने। खैर, न्यू मनकबे 2019, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। मीर हसन मीर साहब का ये एक मनकबत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और जो इस वीडियो के लिए मुझे काफ़ी दिनों से रिकमेंड कर रहे थे, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखा था, तो उसमें इस वीडियो के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया हुआ था, तो शायद नज़र पे आ गई, तो मैंने कहा लाओ इसे करता हूँ। तो चलें देखते हैं, तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को और देखते हैं, फिर बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स सी। हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के वजह कायनात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। ये करबला है ये मोजज़े नुमा की बस्ती है, ये करबला है ये मोजज़े नुमा की बस्ती है। कफन में से के लपेटो हयात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। से कहेंगे मात में हलकों से लोग मैं गए शर्मे, कहेंगे मात में हलकों से लोग मैं गए शर्मे, हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ। हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। नहीं करूंगा लहद में मैं इंतजार सगर, करूंगा लगद में मैं इंतजार सहर। फरिश्तों कर वो बला रातों रात ले जाओ, कुछ आंसुओं के वज कायनात ले जाओ। हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। कसम हुसैन की पुरसे में कम ही लगता है, कसम हुसैन की पुरसे में कम ही लगता है। बुलंद जितना भी
मातम में हाथ ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ कहा ये खिज़र से अब्बास ने यहाँ आकर कहा ये खिज़र से अब्बास ने यहाँ आकर हमारे मश्क से आबे हयात ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ ऐ मौजो उठो अरीज़े को साथ ले अरीज़े को साथ ले जाओ इमाम असर तलक मेरी बात ले जाओ कुछ आंसुओं के वज़ कायनात ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ खुदा उतारने वाला है सदका में गे सदका में गैदी का रसूलों आओ नए मौजज़ात ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ हुसैन कहेंगे फातिमा वक्ते ज़हूर में गैदी से कहेंगे फातिमा वक्ते ज़हूर में गैदी से लड़ाई के लिए गाजी को साथ ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ गमे हुसैन में हर जख्म मौजज़ा है नईम गमे हुसैन में हर जख्म मौजज़ा है नईम सजा के जिस्म पे कुछ मौजज़ात ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर
क्या है ये? हाय मेरे अल्लाह पाक, काश मुझे वक्त मिलता। 6 तारीख थी ना शायद, 6 तारीख को, काश मुझे लिखा हुआ, 1 मिनट, 6 अप्रैल। अल्लाह अकबर, क्या आवाज है, क्या लिरिक्स है। लिरिक्स में कुछ जगह जो मुझे कहूँ कि एक लास्ट में और एक बीच में कहीं थी, थोड़ा सा वही वाली बात हो गई ना, समझा, मतलब समझ नहीं आई चीज़ें, जैसे कि हर बार मैं कहता आया हूँ। बाकी ओवरऑल अल्लाह रहम करे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और एक जगह हाथ उठाने वाली बात की थी ना, कि जब आप हाथ उठाते हो, कद तो हमारा छोटा है लेकिन हम जब हाथ उठाते हैं कि क्या ऐसा था, वो भी एक बहुत कहने ना कि मतलब आकर एकदम, मतलब घुस बमा गया था मुझको, इतना खूबसूरत लगा था वो। जब स्टार्ट होती है ये कि हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ, ये जो लाइन के बाद एक शायद इसके बाद थी, जब स्टार्टिंग होती कि बीच में थी, जो एक लिरिक्स उसमें आई थी, वर्स जो थी कि कुछ आंसुओं के बदले कायनात ले जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे वहाँ तारिक जमील साहब की कुछ बयानात याद आ गए थे, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, जब मैं बहुत ज़्यादा तारिक जमील साहब को सुना करता था, स्ट्रीम लेवल का। मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं सुना, उनके बाद शायद फिर धीरे धीरे लोगों को मैंने देखना शुरू किया, वो भी एक कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सली, एक्सीडेंटली मैंने कहीं ना कहीं लोगों को और देख लिया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं शुरू से ही तारिक जमील साहब को फॉलो करता था, एक मोहब्बत और एक मेल, और शायद वही एक रीज़न रहा है कि हमेशा से अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे लोगों को मेरे इर्द गिर्द और मेरे नज़रों को, मेरी मेरे महसूस, मेरे दिल को उनको करीब रखा। उनका जो एक नाता था, जो एक कनेक्शन था, वो शायद एक इतना करीब था कि शायद मैं इन सब फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, फ़िरका वारकियत वगैरह वगैरह में, मोहब्बत और ये सब बहुत अहम चीज़ होती है, वो हमेशा मोहब्बत बांटते रहे हैं। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इंसान है, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता करे, उनको सेहत अता करे। तो उनके जो दुर्लफ्स थे, उनमें भी कहा था, तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि इंसान चाहे दुनिया की कोई भी कितनी भी ज़्यादा गुनाह हो, राई के ज़र्रे की बराबर की बात करते हैं, राई के ज़र्रे की बराबर अगर गुनाह अगर बाकी हो और आप अगर सच्चे दिल से तौबा करते हो तो आंसू गिरा के, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देता है। ये जो लफ्ज़ था ना उनका, कोटेड कह लें कि ऐसा लगा कि शायद दुनिया में हर एक चीज़ मुमकिन है अगर एक सच्ची तौबा से अगर इंसान माफ़ी मांग ले। तो उस खूबसूरत अंदाज को मैं यहाँ फील कर गया था, और जिस अंदाज से इन्होंने बताया कि हुसैन निजात बांट रहे हैं, आए हाय सुभान अल्लाह, क्या आवाज़ था, क्या तर्स था, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपने लफ्ज़, मेरे लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, सच्ची पूछो तो अदर लेवल की चीज़ें भाई साहब, बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत, बहुत सॉफ्ट लहर थी आवाज़ में यार, यूँ ऐसा लग रहा था ना कप कपी सी हो रही थी यहाँ, पूरा एकदम अजीब सा खैफियत हो रही थी, इतनी सुकूनियत थी इसमें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। काश मैं उस टाइम किया होता, मौके पे किया होता, मैं 6 या 7 लाइक अप्रैल के महीने में ही किया होता तो शायद, चलो आज का दिन या फिर कह लें कि खूबसूरत बनने के लिए रह गया था कि मैं आज इसे देख लिया, दिल और दिमाग एकदम से फ्रेश हो गया। हालांकि मेरा नींद का गलबा भी है, मगर चलो एक ये देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है माशाल्लाह कि मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश सा सा फील हो रहा है, एकदम इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। हाय हाय मीर हसन मीर साहब, बहुत खूबसूरत आवाज़ है यार वाकई माशाल्लाह, कितनी सादगी देखें ना आप, सादगी, आप एक चीज़ नोटिस किए हैं, सादगी कितनी खूबसूरत चीज़ होती है कि आप कहीं भी, मतलब कहते हैं ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे पूरी वीडियो में, आवाज़ और आवाज़ और कुछ कंप्यूटराइज शायद जो एक माइक की एडिटिंग होती होगी वो चीज़ें थी, बाकी और कुछ भी नहीं था, और इतनी रूहानियत वाली चीज़ें लगी हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत, मूड फ्रेश हो गया।
मूड फ्रेश हो गया, सच बता रहा हूँ। तो ठीक है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपनी राय इजहार कीजिएगा कि आप लोगों को कौन सी जगह क्या फील हुआ है। माशाल्लाह तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। बस यहीं तक अपनी बातें ख़त्म करेंगे और इस फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।